नमस्कार सिंह साहब। नमस्कार। माफी चाहता हूँ, आने में थोड़ी देरी हो गई। कोई बात नहीं चतुर्वेदी जी, चलिए काम शुरू करते हैं। आपकी वो जगह है। चतुर्वेदी जी, जी बैठने से पहले आप एक काम कर देंगे? जी बताइए। वो क्या है ना कि आज काकू आया नहीं, अपने ऑफिस की साफ सफाई, चाय पानी सब वही देखता है। आपको चाय तो बनानी आती होगी? जी आती है। वो क्या है ना, आज सुबह से ही जब से आया हूँ चाय की बड़ी तलब उठ रही है। वो किचन उस तरफ है, और अपने लिए भी थोड़ी सी चाय बना लीजिएगा जी। और हाँ, चाय वाय पी के थोड़ा ऑफिस भी देख लीजिएगा। मेरा मतलब है ऊपर ऊपर से थोड़ा झाड़ू फटका लगा दीजिएगा। हाँ बेटा। हेलो पापा, देर तो नहीं हो जाए आपको ऑफिस पहुंचने में? नहीं बेटा, मैं टाइम पर ही पहुंच गया था। तो फिर ये बताओ पापा, कैसा लग रहा है आपको अपने नए ऑफिस में आज? और कैसा जा रहा है आपका पहला दिन? अच्छा है बेटा, तू मेरी फिक्र मत कर बेटा, तू अपनी तैयारी ठीक से करना। अच्छा अब रखता हूँ, चल बेटा। जी पापा, बाय। ये लो। अच्छा हुआ ध्रुव सर ने सबकी को पार्टी के लिए बुला लिया, घर में रहती तो और भी दुखी हो जाती। हाँ माँ, अब वो दिवाकर की सारी बातें भूल जाएंगी, और पार्टी में जाएंगी ना तो दी एंजॉय भी करेंगे। उनका मन एकदम हल्का हो जाएगा। अगर मुझे भी साथ में ले जाती तो मेरा भी मन हल्का हो जाता। चुप हो अदिति, थपकी तैयार हुई है कि नहीं देख तू। राजकुमारी लग रही है माँ। क्या पुराने जमाने टाइप के डायलॉग्स बोल रहे हो? अगर बोलना ही है तो बोलो दीपिका लग रही है, करीना लग रही है, क्या राजकुमारी बोल रहे हो? देखो ना माँ, इसका कितना दिमाग चलता है इन सारी चीजों में। 24 घंटे टीवी जो देखता रहता है। इतना दिमाग पढ़ाई में लगाएगा ना तो टॉप करेगा टॉप। मैं तो बस दीदी की तारीफ कर रहा था, आप लोग तो मुझे डांटने लग गए। आज तो पार्टी में आप ही छाने वाले हो, देखना कितने लोग बेहोश होते हैं। चुप अदिति। चुप क्या दी, सच में सबकी नजरें आप ही पे होंगी। बस अब हो गया आप सब सबका, अब मैं जाऊं। बाय दी, एंजॉय करना। हाँ अंकल, जरा बता बताइए। इस गली से मुड़कर चौथा मकान। शुक्रिया। लीव्स ब्रीथ थ्रू नोज स्टोमेटा। लिखो जरा स्टोमेटा। पूनम जी। पापा। हाँ बेटा।
मम्मी कहाँ है? आ गए? हाँ। कैसा रहा आपका दिन? हाँ। कुछ खाया कि नहीं? ओहो पूनम जी, आप मेरा इंटरव्यू बाद में ले लेना, पहले आप ये बताइए कि सबकी टाइम से अपनी पार्टी में चली गई ना? हाँ पहले पानी तो लीजिए। हाँ, हाँ। आपकी दिलाई नई ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही थी वो। अच्छा? दीपिका करीना से कम नहीं। पापा आपको पहला दिन कैसे था? आपको रियल एस्टेट के काम में इतना एक्सपीरियंस जो है, बॉस ने तो आपको सर पे चढ़ा लिया होगा ना, सारे इम्पोर्टेंट काम आपको ही भूले होंगे। हाँ हाँ बेटा, हमारे बॉस बहुत अच्छे, उन्होंने तो आज पहले दिन ही ऑफिस का सारा काम मुझे ही सौंप दिया। पापा कल ना मुझे भी अपने साथ ऑफिस लेके चलना, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। बेटा लेकिन मैं... देखो पापा 10 मिनट भी पढ़ाई नहीं की इसने। आजा बेटा मैं तुझे पढ़ाती हूँ, चल। चलो दोनों का ना पता नहीं कुछ ना कुछ चलते रहता है। क्या हुआ, ऑफिस में सब ठीक तो रहा ना? हाँ सब सब अच्छा है, सब अच्छा है पूनम जी। अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो तुम लोग, कौन हो तुम? ओ अंकल बैठ के बात करें। अरे सुना नहीं मैंने क्या कहा, कौन हो तुम लोग और ये क्या बदतमीजी है? ओ अंकल इसे बदतमीजी नहीं हिसाब किताब कहते हैं। लेकिन तुम हो कौन? B4 बिहान, बिहान पांडे कहते हैं लोग हमें। तुम चाहे जो भी हो, इस तरह घर में घुसाने का क्या मतलब है और तुम लोग चाहते क्या हो? बकाया किराया वसूलने आए हम। अरे कौन सा बकाया किराया? तुम वही है मंदिर वाली। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? ओ तो आप यहाँ रहती हैं? शरीफ लोग घरों में ही रहते हैं, तुम्हारी तरह रोड पे आवारा गर्दी नहीं करते। आदिति तू जानती है इसे? हाँ पापा, ये वही पागल है जो मंदिर में जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहता था। और आज भी जबरदस्ती ही करने आए, लेकिन शादी की नहीं, इस घर को खाली करानी। पागल तो नहीं हो गए तुम? तुम कौन होते मेरा घर खाली करवाने वाले? चलो उठो निकलो, निकलो यहाँ से। ये लोग कौन है? क्या बात है, बच्चों को तो खिला पिला के फुटबॉल बना रखा है और किराया देने के लिए पैसे नहीं है। बंद करो अपनी ये फालतू की बकवास और निकलो यहाँ से। अरे ओ झांसी की रानी आवाज नीची, मानते हैं उस दिन मंदिर में गलत फहमी हो गई हमसे, लेकिन इस बार खबर पक्की है। एक तो किराया नहीं देते, ऊपर से घर पे कब्जा करके बैठे हो। क्यों, पापा जी का राज है? मेरे पापा के बारे में तुम तो कमाल करते हो, हमें यहाँ पर आके इतने दिन हुए ही नहीं है कि हमारा कोई किराया बाकी होगा, हमने किराए के पेपर पर साइन किए हैं, तो फिर कब्जा कैसा? चलो निकलो यहाँ से, ले जाओ इसे, चलो। देखिए अंकल जी, आप हमारे से हैं उम्र में बड़े, इसीलिए इज्जत से कह रहे हैं चुपचाप ये घर खाली कर दीजिए और पैसा हमारे हाथ में रख दीजिए, वरना वरना क्या? हाँ नहीं करते घर खाली, जो करना है कर लो। तो बस O4 ओवर और O4 आउट, मतलब बातचीत हो गई ओवर और अब सामान निकलेगा आउट। अरे 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 क्या कर रहे हो भाई? चलो चलो सुनो, अरे अरे चलो घर का, चलो चलो निकालो सामान। अरे अरे एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, हां तो टॉप मेरी बात सुनो। अरे चलते हैं, हमने पूरा किराया चुका दिया, कोई किराया बाकी नहीं। तमाशा
कर रहे हो? मैं पुलिस को फोन करूंगी। पुलिस को ये लो, हमारे फोन से बोलो और भी जल्दी आएगी। चलो चलो जल्दी करो। क्या हुआ, घर छोड़ के जा रही हो? अपनी फैमिली को तो साथ ले जाओ। घर छोड़ के जाओगे तुम? ये क्या कर रहे हो लोग? पागल बंद करो। सर आशुति क्या कर रही है? बेटा रुक जा। ये पागल हो गया हो क्या? क्या कर रहे हो दीदी? और दिखाओ इनको, और दिखाओ। बंद करो इसे, बंद करो इसे। वरना 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 क्या? हाँ बाबूजी। बिहान, अरे बेटा घर नहीं खाली करवाया अभी तक? मैं त्रिवेदी जी के घर के बाहर ही हूँ। हाँ बस खाली करवा रहा हूँ। हेलो, त्रिवेदी नहीं, हम चतुर्वेदी हैं। क्या बोलो तुमने? हम त्रिवेदी नहीं चतुर्वेदी हैं। बाबूजी हम आपको दोबारा फोन करते हैं, यहाँ कोई कंफ्यूजन हो गया। हेलो, वापस बोलना कौन हो तुम लोग? चतुर्वेदी। लेकिन हम तो किसी त्रिवेदी का घर खाली कराने आए थे। अरे तो चतुर्वेदी त्रिवेदी एक जैसे हो गई गलती? तुम पागल तो नहीं हो गए? दिमाग ठिकाने तो है तुम्हारा? जबरदस्ती मंदिर में भी मेरी शादी करवाना चाहते थे और आज यहाँ भी इडियट तरीके। चल पान। रुको, जितनी बेशर्मी से हमारा सामान उठाकर बाहर रखा है ना, उतनी इज्जत, आई मीन इज्जत से हमारा सामान उठाकर वापस रखो। अरे अदिति रहने दे, हम बाद में देखेंगे। नहीं माँ, जब गलती इसने की है तो सुधारेगा भी यही। कंग्रेचुलेशन सर। मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ, तेरी हवा में बहने लगा हूँ, जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ। सर कंग्रेचुलेशंस ध्रुव, आज हमारे चैनल 365 को 5 साल पूरे हो गए। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू, सेम टू यू।
वैसे तुम्हारा पैर कैसा है? पहले से काफी बेहतर। अच्छा लिसन, ऑफिस में सारे लोग आ गए? रोज आज पार्टी है, कैसी बात कर रहे हो, ऑब्वियसली सब आए, देखो ना। नहीं वो लग नहीं रहा, I mean, कोई तो ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें, क्या हुआ? Hey, miss, मुझे एक फाइल साइन करनी है। ना ध्रुव, आज पार्टी है, एंजॉय करो, काम बाद में करते रहना। यू कैरी ऑन, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। ध्रुव, वैसे ये कलर तुम्हें काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। जाए दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में कल बारिश के आसार हैं। देश के काफी हिस्सों में मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है। आइए अब देखते हैं कहां कहां कितनी बारिश हुई। ये क्या हो रहा है मुझे? हर जगह मुझे थपके क्यों दिख रही? मैं जी रहा हूं तेरे ही दिल से। हेलो काका, एक ग्लास पानी भेजिए। राहों पे तेरी मैं तो चला हूं, तू मेरी मंजिल है, तेरे कदमों पे बस रुकने लगा हूं। Come in. Sir, पानी। तुम? सर आपने पानी मंगवाए थे ना? साहब और कुछ चाहिए? नहीं काका, थैंक यू। क्या हो रहा मेरे साथ? सुंदर, संस्कारी और सुशील लड़की है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। लगता है माँ की बातों का नतीजा। एक काम करता, सबके साथ बाहर जाके बैठता, फिर शायद ऐसा नहीं होगा। यही सही है। सर क्या क्या हुआ सर? मेरी बसर है, अब तुझे भी जाना किधर है? कुछ नहीं, बताइए सर। मैं वो जहां हूँ जिसे जिए तू, मैं वो समा हूँ तेरी वजह से, नया नया हूँ, मैंने कहा ना पहले, अब तो ये मैं कहने लगा हूँ। सर आप ये I'm so sorry. I mean वो मैं वो तुम